Hello pessoal! Botaar bundia como By Windows, o meu canal YouTube. So next video, aprendemos como usar tempo futuro em português. So welcome back, guys. In this class, in this video, we will talk about, we will learn about how to use future tense in Portuguese. मोस्ट सिंपल टेंस सबसे आसान टेंस तीनों टेंस में प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में सबसे जो आसान तरीन टेंस है वो कौन सा है फ्यूचर टेंस भाई क्यों क्योंकि इसमें जो कंजेक्शन है ए आर ई एंड आई आर ये हमने पहले क्या था पास्ट एंड प्रेजेंट में ए आर की कंजेक्शन अलग से लर्न करनी थी ईआर ER की अलग से लर्न करनी थी एंड आईआर की अलग से लर्न करनी पड़ती थी कि एआर ई एंड आईआर को मूव कर से करके कौन से हमने वर्ड हमने ऐड करने हैं बट इस टेंस के अंदर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है एआर ईआर एंड आईआर तीनों की कंजक्शन सेम है और हमने कुछ भी मूव नहीं करना डोंट ड्रॉप एनी लेटर इन द रेगुलर वर्ब जस्ट ओनली add these following endings to the regular verb then it will convert into a future tense so let's talk about first of all you second nosh ali ala vosesh alish alash vosesh plural okay तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल राइट की हैं कि रेगुलर वर्ब जो एंडिंग हो रहे हैं ए आर के ऊपर ई आर आई आर के ऊपर फल्लार कोमेर अब्रेर तो इनमें से किसी एक के भी एग्जाम्पल ले लेते हैं मैंने विजिटार एग्जाम्पल ली है ठीक है तो एला विजिटार ये जो वर्ब है विजिटार रेगुलर वर्ब विजिटार है इसको एज इट ही हमने रहने है लेकिन पीछे क्या है एला तो एला ये है एला के साथ हमने कौन सा एंडिंग यूज करनी है ए डैश तो विजिटार के आगे ए डैश लगा दे देला विजिटारा इम्परेजर शी विल विजिट कंपनी शी विल विजिट कंपनी फ्यूचर टेंस है तो हमने जस्ट ओनली दीज एंडिंग ऐड की कौन सी ए डैश की किसके लिए एला के लिए अगर एली होता या वो से होता फिर भी हमने क्या ऐड करना था जस्ट ओनली ए डैश नेक्स्ट हम बात करते हैं नोश की नोश है तो नोश के साथ हमने जो रेगुलर वर्ब उसमें क्या ऐड कर देना है? इमोश नोश के साथ क्या ऐड करना है इमोश नोश विजिट आर इमोश इम्परे वी विल विजिट कंपनी ओके okay. विल विजिट कंपनी हम कंपनी को विजिट करेंगे कौन सा टेंस है फ्यूचर टेंस है नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया वो सेश प्लूरल है दे प्लूरल वो सेश विजिटाराउन वो सेश प्लूरल ये नहीं सिंगुलर नहीं प्लूरल प्लूरल के लिए हमने क्या ऐड करना है आओ एलिशुलर लश वोष दीज आर प्लूरल और प्लूरल में हमने क्या एड कर देना आओ तो विज के आगे हमने क्या लगा देना आप सब कंपनी विजिट करोगे यू आल विल विजिट कंपनी ओके तो ये क्या है फ्यूचर तो फ्यूचर टैंस तो इसमें हम देखें कि इसमें यूनिक कॉन्जुगेशन पैटर्न है ओके आ, हर एक का एक यूनिक पैटर्न है यू के लिए नोश के लिए एलिश एल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन तीनों के लिए एक यूनिक कॉन्जुगेशन पैटर्न है तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं उन तमाम वर्ड्स की जो टर्मिनेट होते हैं किसके ऊपर जेड ई आर के ऊपर मैंने यहां पे कुछ फर, रेगुलर वर्ब्स आए कि हैं दिजेर फजेर त्रजेर ये वो वाले वर्ब्स हैं जो जेड ई आर के ऊपर टर्मिनेट हो रहे हैं ओके जेड ई आर नो डाउट ई आर आर है ई आर कंजेक्शन भी है लेकिन इट कम्स कंबाइन विद जेड जेड ई आर बी केयरफुल अबाउट दिस वन के जेड ई आर कंजेक्शन जहां पे भी आ रही है उसके लिए आपने क्या करना है ड्रॉप द जेड ई आर एंड देन एड दस्पॉन्डिंग एंडिंग ये वाली मैंने करस्पोंडिंग एंडिंग मैंने लिख दी है जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होगा उसके करस्पोंडिंग आपने एंडिंग एड कर देनी है मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ वर्ब फजर की ओके इससे मैं कोई सेंटेंस बना लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल शी विल डू एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज करेगी इसको एल को जेड ई आर मैंने रिमूव करके एल तो एल की जगह मैंने आर ए डैश लगा दिया एला फॉर को ओके नेक्स्ट वी विल डू एक्सरसाइज हम एक्सरसाइज करेंगे नोश फॉर ए मोश मैंने जेड ई आर रिमूव करके क्या लगा दी आर ई एम ओ एस रिमोश ठीक है नोश फॉर रिमोश एक्स क्रिसी को वी विल डू एक्सरसाइज तो बी केयरफुल अबाउट दिस वन के जेड ई आर जो कंजेक्शन है इस लिटल बिट डिफरेंट देन ऑफ ए आर ई आर एंड आई आर कंजेक्शन के ए आर ER, ई आर आई आर कंजेक्शन के अंदर हमने क्या किया था कुछ भी रिमूव नहीं था किया वर्ब के अंदर कुछ भी हमने लेटर ड्रॉप नहीं था किया जस्ट हमने ऐड कर दी थी क्रेस्पॉन्डिंग एंडिंग विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट बट यहां पे जेड ई आर वाले कंजेक्शन में हमने क्या करना है हमने जेड ई आर को रिमूव करके क्रेस्पॉन्डिंग एंडिंग एड कर देनी है विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट ओके सिंपल इज दैट तो ये था कौन सा वे फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, आई प्रेफर दिस वन बिकॉज़ दिस इज मोस्ट सिंपल एज कंपेयर टू द फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग तो फॉर बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो नेटिव पोर्टुगिज पीपल हैं वो इन फॉर्मल वे यूज़ करते हैं ठीक है तो तो अब हम बात कर लेते हैं इन फार्मल वे ऑफ स्पीकिंग एंड रॉइटिंग फ्यूचर टैंस इन पोर्टोगीजम तो इसका जो सेकंड मेथड है जो इनफॉर्मल वे है उसमें हम क्या करते हैं जो कॉन्जुगेशन आई आर है उसको हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट फॉर्म के अंदर तो फॉर एग्जांपल आई आर एर एर मीन्स टू गो तो इसकी जो प्रेजेंट uh, प्रेजेंट uh, इसकी जो फॉर्म है इन्फिनिटिव वर्ब के साथ हम इसको यूज़ करते हैं इन्फिनिटिव वर्ब मीन ऑल दोज वर्ब विच आर एंडिंग विद ए आर ई एंड आई आर ओके तो ए यू के साथ हम क्या यूज करते हैं वो क्या मीन्स आई विल गो वो मीन्स गो ओके ए के जो है, फार्म है इन्फिनिटरी फार्म वो क्या है वो तो ए आई विल गो तू आएगा तू मीन्स यू इन फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग तो तू के साथ वेश टू वेश यू विल गो ओके एली एल वो से इसके साथ हम क्या करेंगे वाई एली वाई शी ही या यू विल गो ओके नोश के साथ हम क्या करेंगे व मोश फॉर्म यूज करेंगे प्लस साथ इन्फिनिटिव वर्ब ओके तो एलिश एलश वो सेश के साथ व्या ओके Form of the verb. हम उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी एज इट इन्फेटिव वर्ब आपने राइट कर देना जो फॉर्मल वे था उसमें हमने क्या ऐड किया था आई साथ ऐड किया था आओ ऐड किया था जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंडिंग थी वो हमने ऐड की थी बट यहाँ पे कुछ भी आपने ऐड नहीं करना जस्ट ओनली आपने ये वाला जो सेकंड पार्ट है इसका एर की जो इन्फेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपने हर एक के लिए डिफरेंट ए तू एली नोश एल एस सब के लिए ये क्या है डिफरेंट है ठीक है तो ये आपने लिखनी है बाकी जो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है वो एज इट ही आपने राइट कर देंगे ए यू वो कंतार आई विल सिंग ओके नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है नोश व मोश वी विल गो फॉर अ वाक ओके पसीियार इज द इन्फेनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज एज इट आई प्लेस हेयर ओके बट नोश के साथ जो ईर की ईर की जो इन्फी फॉर्म है वो कौन सी है वामोश तो वो मैंने लगा दी नोश वामोश पसिया गो फॉर अ वॉक नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया एली वाई कुमेर ही विल ईट ही विल ईट तो कुमेर सेम एज इट बट एली के साथ जो इन्फिनिटी फॉर्म वर्ब इर क्या, क्या है यहां पे वही एली वई कुमेर ओके okay? तो ये था इन इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग जो मोस्ट ऑफ द नेटिव पीपल ऑफ पोर्टुगीज हैं जो यूज करती हैं बट इट्स डिपेंड्स अपॉन यू वट वुड यू लाइक आइदर इन फॉर्मल वे आर फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग बोथ आर इक्वल ओके फ्यूचर टेंस में दोनों ही सेम है बस इनका जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट द फ्यूचर टाइम्स इन पोर्टुगीज़ सो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाहफि शाह